नमस्कार, केवल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं करेले की सब्ज़ी, वो भी ऐसी जो कड़वी नहीं लगेगी बिल्कुल भी खाने में। ये मैंने करेले काट लिए हैं और काट के धो लिया है, इनको नमक लगा के रख दिया था मैंने 1 घंटे के लिए। अब इनको भगोने में करके और हमें उबालना है। पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे कि डूब जाए, इतना ऊपर हो पानी इसके ऊपर। आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और अब इसको उबलने के लिए रख देते हैं। इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, हम इसको आधा गलाना है, मतलब अध गला रहना है। करेले हमारे उबल गए हैं, हम इसी तरह से चाहिए। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, इसको मैं पानी में से निकाल लेती हूँ। हम इन करेलों को निचोड़ लेंगे हल्के हाथ से, जिससे इसका पानी जो भी होगा वो निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं निचोड़ना, बहुत ज़्यादा नहीं तो टूट जाएंगे। हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, तो गोल्डन होने तक हमें भूनना है। इस तरह से करेले बनाएंगे तो सभी खाएंगे और कड़वे बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है। हम कोई भी वीडियो डालेंगे तभी आपके पास पहुंचेगी। अब हम इनको निकाल लेते हैं। करेले हमारे भुन गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये गोल्डन कलर के हो गए हैं, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो ये जल जाएंगे, फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते, कड़वे से हो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया है, हमें इसी तरह से चाहिए। कुरकुरे भी हो गए हैं ये। हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और उनको निकाल लेते हैं। इसके लिए हम छोंक तैयार करते हैं। हम तेल डालेंगे थोड़ा सा कढ़ाई में, अब हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है। गर्म हो गया, आधे चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1/2 चम्मच हींग छोटी वाली चम्मच से, अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। तो चम्मच में इसमें तेल डालूंगी, ये प्याज के साथ ही भुन जाएंगे। पिंक कलर होने तक हम इसको भूनना है। बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं। मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी, 4 मैंने हरी मिर्च चीर ली है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मिर्च, नमक, क्योंकि हमने नमक पहले भी करेले में डाल चुके हैं स्वाद अनुसार। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि इसमें मसाला अच्छा लगता है। अब इसमें ये हम करेले डाल देंगे। एक नींबू का रस डालेंगे हम इसमें।
चम्मच अमचूर पाउडर, आप खटाई अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और दो चम्मच मैं इसमें दही डालूंगी। अब इसको मिक्स कर देंगे सभी को। ऐसे करेले आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, इस तरह से बनाएंगे आप तो आपका बार बार खाने का मन करेगा बनाने का, और सभी आपसे मांगेंगे। एकदम नई रेसिपी है ये, इससे बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे आपको। अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए सिम गैस करके। दो चम्मच इसमें हम सौंफ डालेंगे, सौंफ बाद में ही डालना नहीं तो कड़वी हो जाती है। ज़्यादा हम सौंफ को पकाते हैं तो वो कड़वी लगने लगती है और इसमें इसकी खुशबू निकल जाती है। देखिए हमारे कितने अच्छे करेले बन के तैयार हैं। एकदम कुरकुरे मसालेदार करेले बन के तैयार हैं। हमारी करेले की सब्जी बन के तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बनाइए और खाइए और हम बताइए। आपका धन्यवाद।